गुड मॉर्निंग, गुड मैरी क्रिसमस। मॉर्निंग। आज क्या है? हाँ, क्रिसमस। अच्छा, को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बताओ, आज कहाँ जाओगे? हाँ, आज कहाँ जाओगे आज? कहीं नहीं कहीं तो जाएंगे। नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाना। मैं जाऊँ फिर? हाँ, मैं घूम के आऊँ। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल, आते हैं? सुनो। सिंगल से गुड मॉर्निंग। अभी अभी उठो? आई दिखाओ को अपनी, देखें। हाँ, ओपन हो गई, प्रॉपर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हो गई ना। ओके, अब चले। अब क्या करोगे? ओ, अभी भी नींद आ रही है। अब क्या करना है आपको? ब्रश। वेरी गुड, चलो उठो। क्यों, नहीं, मोबाइल कितनी देर में करोगे? अच्छा, के बाद मोबाइल नहीं देखते हैं। हाँ अभी आपको क्या करना है? खाना 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 है? फिर खाना खाना है, नाश्ता? मुझे दे दो मोबाइल नहीं, नाश्ते में क्या खाओगे ये बताओ ना। खिचड़ी। बस, हमेशा खिचड़ी अच्छी लगती इसको, क्यों? और आज आज पेस्टी कौन खाएगा? कौन खाएगा पेस्टी? मैं पेस्टी खाने खाने के लिए आपको ब्रश करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? मैं दांत दिखाना अपने, ऐसे करके। हाथ हटा ना, हाथ हटा, ऐसे ऐसे करके। साफ तो है, रोज ब्रश करता है मेरा बाबू, करता है ना? मम्मा दी दो क्या? नहीं और पेस्टी? चलो पेस्टी दिला करके, चलो उठो उठो उठो। आज चलेंगे, तुमको पेस्टी भी खिलाएंगे, ठीक है? नहीं पेस्टी नहीं खाओ? केक नहीं नहीं खाना? ओ, क्यों? मुझे जिंदगी मोबाइल चाहिए बस। मोबाइल से मोबाइल ले लोगे, पेस्टी नहीं खाओगे? फिर मम्मा खा लेगी, पापा खा लेंगे, आपको नहीं मिलेगा फिर। वाह, बताओ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए? ओके, बाय बाय बाय। बाय। मेरी चुन्नी दो, मेरी चुन्नी दो, आजा मेरी चुन्नी दो, चुन्नी दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस, तो हैप्पी मैरी क्रिसमस। और मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने, यानी चाय और नाश्ता। तो नाश्ते में नमकीन तो रखी हुई है, तो मुझे नमकीन जो मिलाई थी भुजिया चेतनी वाली, मुझे बहुत पसंद है, तो वो खाऊंगी। साथ मुझे में सोच रही हूँ मीठे में कुछ हलवा एक बना लूँ, तो हलवा मैं बेसन का बनाऊंगी, तो बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ। और सर्दी चेतनी बहुत है, सुबह से कोहरा है, तुझे मिलने बहुत ही कोहरा है, सुबह से बहुत ठंड है। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ जस्ट अभी। और मतलब अब मैं ना इस टाइम वो गीता सार भी पढ़ती हूँ पूजा करने टाइम पे। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि दीदी रामायण पढ़ा कीजिए, इस टाइम रामायण बेस्ट होती है। तो कोई भी धार्मिक किताबें होती है वो सारी बेस्ट होती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अभी मैं वो पढ़ रही हूँ, तो उसको जब संपन्न हो जाएगी, मेरी पूरी हो जाएगी, तब मैं रामायण भी पढ़ूंगी। और मतलब अभी वो संपन्न होगी, उसके बाद रामायण पढ़ना शुरू कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे सजेशन देते हैं, इतना प्यार करते हैं और एडवाइस दिया करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आधा की चल रही है नौटंकी, जो कि सो के उठते ही शुरू हो गई है। और मैंने आज यही वाला सूट फिर से पहना हुआ है, थोड़ी देर के लिए ही पहना था उस दिन, इसलिए उतार दिया था तुरंत और फिर से ये डाल लिया है। और ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं बेसन का हलवा, चाय, नमकीन। और आप लोग सोच रहे हैं बेसन का हलवा और चाय क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं, मैं नमकीन के साथ खाती हूँ बेसन का हलवा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं क्या करती हूँ, नमकीन अलग से लेती कटोरी में, बेसन का हलवा अलग, तब खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, और ये भी करती है, बेसन का हलवा उसके ऊपर डाल देगी भुजिया वाली नमकीन, और फिर दोनों को मिक्स करके ऐसे खाएगी नमकीन मीठा करके, ये भी खाती है।
और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो इन दोनों का खाने पीने का स्टाइल ना एक जैसा है, दोनों का एक जैसा है। तो चलिए बहुत सारी होगी बातें, हम करते हैं दिन की शुरुआत। आगे का क्या प्लान है वो आगे आगे पता चलेगा। चाय नाश्ता वगैरह हो गया है हम लोगों का। अभी कितना बज रहा है? 11:30 बज चुका है। और ये देखो ये सो रहे हैं। साथिया सर्दी लग गई। तो अभी जो चाय नाश्ता है वो हो गया है और मैं अब बैठ जाती हूँ। और पता है आज है तो मैरी क्रिसमस, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ। और अभी 11:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा बैठी हूँ आकर, मतलब एडिटिंग करूंगी बैठ के लैपटॉप पे। और आद्या फुल मस्ती में है। और अभी आज का पूरा प्लान क्या है कुछ पता नहीं है। वैसे सोचा है कहीं जाने के लिए, तो अगर गई तो शेयर करूंगी, आप लोगों को भी ले चलूंगी। लेकिन अगर नहीं गई तो घर पे रहेंगे। और सर्दी बहुत है सच में,
और हाँ कल जैसे कि आज है क्रिसमस, तो आज तो हम लोग घर पे ही हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो कल हम लोग, मतलब मैं नहीं, मेरे हस्बैंड शाम को गए थे कंबल बांटने। जैसे कि फुटपाथ पे गरीब लोग लेटे होते हैं, हम लोग तो अपने घर में है, छत के नीचे है, कंबल ओढ़ रहे, रजाई ओढ़ रहे, हर सुविधा है। उनके पास क्या है, कुछ नहीं। ओढ़ने के लिए एक चादर, कंबल, कुछ भी नहीं होता है। तो उनके लिए कुछ कंबल उन्होंने लिए और बांटे थे। हालांकि मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था, तो हमने सोचा भी नहीं कि वो सब चीज़ जरूरी नहीं है कि सबकी क्लिप बनाई जाए और शेयर की जाए। जो चीज़ें बिना दिखाए की जाए वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे जरा बता देती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप के कंबल थे, ये देखिए, एक ये लेकर आए हैं, बच गया था एक, तो एक ये बच गया है। वो इसलिए बच गया है क्योंकि स्कूल में एक लोग और हैं जो इनके स्कूल में, जो बहुत गरीब हैं, उनको देने के लिए, तो वहाँ उनको ये देंगे जाके जब स्कूल जाएंगे, शायद कल जाएं, कल नहीं तो परसों जाएं, तो जाएंगे। और कल ग्रहण पड़ रहा है, तो कल तो कहीं जाना नहीं होगा। आज देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और आद्या फुल शरारत कर रही है, फुल पूरी मस्ती में है। और हलवा जो था बहुत ही अच्छा बना था। कर लो कर लो, शरारत कर लो कर लो कर लो। तो ये है, उठाकर रख देती हूँ, कल आकर यहीं पे रख दिए थे इन्होंने, रख दिया था। तो ये बहुत मोटा है, गर्म है। और ऐसे वाले जो कंबल होते हैं वो गर्म बहुत होते हैं, खासकर जो खुली छत के नीचे लेटते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो अभी हम लोगों का तो पेट फुल हो चुका है, यानी पेट पूजा पूरी हो ही चुकी है। और काफी हैवी होता है वो हलवा, क्योंकि उसमें ढेर सारा देसी घी पड़ा होता है। बाबू शोर नहीं मचाओ, तो बहुत हैवी होता है। तो वो तो हो गया है, खाना खाने का भी कुछ मन नहीं है। लेकिन देखते हैं, अगर बाहर गए तो बाहर का कुछ होगा, कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत खाएंगे। अगर नहीं हुआ तो घर पे ही। आप लोग तो बताइए, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस? तो मैं कोई ट्री वगैरह नहीं लाती हूँ और ना ही कभी सेलिब्रेट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैंने कभी नहीं किया क्रिसमस सेलिब्रेट, और कभी भी चर्च वगैरह भी नहीं गई, मैंने देखा ही नहीं चर्च, कभी मैं गई ही नहीं। और देखते हैं आगे आज क्या होता है। और आप लोग बताना कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ, ये जरूर किया है कि कल, आज क्रिसमस है तो कल कंबल जरूर बांटे हैं, ताकि वो गरीब लोग जो खुले आसमान के नीचे सर्दी में ठिठुरते हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले, और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ थोड़ी देर में, अगर कुछ स्पेशल होता है तो वो दिखाती हूँ आपको।